हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन गाइस आई विल ब्रिंग टू यू अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है पीएम किसान मानधन योजना। गाइस एज यूजुअली आई विल ब्रिंग टू यू दिस स्कीम इन अ वेरी सिंप्लीफाइड मैनर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था इन द प्रीवियस टू स्कीम्स, वी विल डिवाइड आवर स्कीम इन द टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट वी कैन डू इन अ लॉजिकल मैनर एंड द सेकेंड पार्ट इज दैट which we have to memorize। second part में हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमें memorize करनी है। in first part में we will discuss those things that can be understand logically, right? तो चलिए start करते हैं guys and let me tell you one thing that this scheme guys is very similar to PM लघु व्यापारी मानधन योजना that we have discussed last week। so if you have remember that scheme then it will be very easy to understand this scheme, right? तो चलिए start करते हैं guys with the डिस्कशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दी ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसका उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो देर आर टू वर्ड्स अंडर द स्कीम, अंडर द नेम ऑफ द स्कीम, वन इज किसान एंड वन इज मानधन। किसान मीन्स फार्मर एंड मानधन मीन्स मनी विद रिस्पेक्ट। ओके, मानधन मीन्स मनी विद रिस्पेक्ट एंड वट इम्प्लाइज मनी विद रिस्पेक्ट, पेंशन। मनी विद रिस्पेक्ट का मतलब हम क्या समझे, पेंशन। जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, मनी विद रिस्पेक्ट मिलता है। तो यानी कि उसी को हम और उस रिटायरमेंट वाले मनी को हम क्या बोलते हैं, पेंशन। राइट, सो देर आर टू कीवर्ड्स अंडर दिस स्कीम, दीज आर फार्मर एंड पेंशन। फार्मर और पेंशन नाम के दो कीवर्ड्स हैं, राइट। एंड फार्मर और पेंशन वर्ड से हमें क्या पता चलता है, दैट दिस स्कीम इज अ पेंशन बेनिफिट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। राइट, दिस इज अ पेंशन बेनिफिट स्कीम फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, now why only small and marginal farmers, why not big farmers? so it is very easy to understand that big farmers are self sufficient, they do not require any kind of social support or they do not require any kind of social support from the government, all right? so that's why big farmers are not included, it is only for small and marginal farmers, all right? so guys objective is clear that the scheme is a pension benefit scheme for small and marginal farmers, okay? now if we talk about the ministry, so ministry is very clear since we are talking about the farmers, so the ministry should be Ministry of Agriculture and Farmer Welfare and this ministry is headed by Mr. Narendra Singh Tomar, okay? now let's move on to the eligibility, ki kon kon farmers eligible hain. so sabse pehle eligibility to bilkul clear hai that all small and marginal farmers are eligible, right? all small and marginal farmer. and if you talk about the age, so minimum age to enter this scheme is how much, 18 years and the maximum is what, 40 years. okay, minimum age kitni hai, 18 years hai and maximum age kitna hai, 40 years hai, all right? and so isko hame yaad kaise rakhna hai guys, so 18 years mein aapko pata hai 18 years mein hamara pan card banta hai, hamara dl banta hai aur jitne bhi jaise election id card bhi banta hai, to jitne bhi government dog hote hain, mostly government dogs aise hote hain jo ki 18 saal ki umar pe hi bante hain. so ye wala jo hamara scheme hai ye bhi 18 saal ka pura hone ke baad hi hum अप्लाई कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम के लिए गाइज आपको याद रखना पड़ेगा, सो मिनिमम इट इज 18 इयर्स, मैक्सिमम इट इज 40 इयर्स, ऑलराइट। सो अब तक हमने मिनिस्ट्री कर लिया, एलिजिबिलिटी कर लिया और ऑब्जेक्टिव कर लिया, तीन चीजें वी हैव अंडरस्टैंड लॉजिकली। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नॉट एलिजिबल पर्सन, लेट्स टॉक अबाउट द इनएलिजिबल फार्मर्स। इनएलिजिबल पर्सन वो फार्मर्स जो कि इस स्कीम में रजिस्टर कराने के लिए इनएलिजिबल हैं, ऑलराइट। सो मैंने आपको पहले लघु व्यापारी मानधन में भी एक चीज बताई थी दैट अ पर्सन कैन अवेल ओनली वन सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ओनली वन पेंशन स्कीम एट अ टाइम, राइट। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई पेंशन स्कीम प्रोवाइड करा रही है तो एक पर्सन एक ही तरीके की पेंशन स्कीम को ले सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन किसान मानधन योजना में एनरोल्ड है, सो ही कैन नॉट एनरोल हिमसेल्फ इन द पीएम लघु व्यापारी मानधन और पीएम श्रम योगी मानधन और वी कैन से पीएम यू कैन से ईपीएफओ, ईएसआईसी, इनमें से किसी में भी वो अपने आप को एनरोल नहीं कर सकता, राइट। सो इसका मतलब आपको केवल ये लाइन पता होनी चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस लाइन दैट अ पर्सन कैन अवेल वन पेंशन स्कीम एट अ टाइम, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट विच फार्मर्स आर इनएलिजिबल अंडर द स्कीम, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज वॉट, एसएमएफ ऑफ एनी अदर पेंशन स्कीम लाइक ईपीएफओ, ईएसआईसी, एनपीएस, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इनमें से वो किसी का भी पार्ट है, इसमें से किसी का भी एनरोलमेंट उसने ले रखा है, देन ही इज नॉट एलिजिबल, राइट। एंड इफ द फार्मर इज एन इनकम टैक्स पेयर देन ऑल्सो ही इज नॉट एलिजिबल,
Why? Because guys, अगर वो इनकम टैक्स पे कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसकी इनकम बहुत अच्छी खासी है. He does not require any kind of social security from the government of India, right? And इसके अलावा we have already discussed this कि अगर कोई PM श्रम योगी मानधन में है या लघु व्यापारी मानधन में है, then also that farmer will not be eligible to enroll himself in this scheme. Okay? So you should remember this line: a person can avail one pension scheme at a time. Okay? Now, if you talk about the third point, government officials, whether serving or retired, and professionals like CA, lawyer, doctor, they are also not eligible to enroll themselves in this scheme. Why? अब इसको हम कैसे याद रखें? So guys, इसको याद रखने की I think जरूरत नहीं है, because if you are a government official, then आप इतने self-sufficient तो जरूर होगे, then that you do not require any kind of सोशल सिक्योरिटी स्कीम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. राइट, अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो आपकी सैलरी इतनी अच्छी खासी होगी, आपके पास अदर बेनिफिट्स होंगे जिसके वजह से आपको इस स्कीम में एनरोल कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, एंड सेम गोज विद द प्रोफेशनल्स. इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ सीए, इफ यू आर अ लॉयर, देन अगर आपको सोशल सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है, देन आपको इलाज कराने की जरूरत है. गाइस, आपको अपने काम के टूवर्ड्स मेहनत करने की जरूरत है. ओके, सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स and professionals are not eligible under this scheme. Now if you talk about the contribution, so minimum contribution is rupees 55, and this contribution guys is monthly. Okay, this is monthly. So minimum contribution is rupees 55 if a person enters at the age of 18, while maximum it is 200 if the person enters the scheme at the age of 40 years. Now along with this contribution, central government also provides its contribution, which is known as what? Matching contribution. राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. सो अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन एंटर्स द स्कीम एट द एज ऑफ 18 एंड हिज मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी व्हाट, हाउ मच? 55. सो गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड 55 फ्रॉम इट्स साइड, एंड इन अ मंथ उसका जो अकाउंट है, पेंशन अकाउंट, इट विल रिसीव हाउ मच? 110. सो इफ अ पर्सन एंटर्स एट द एज ऑफ 18 इन दिस स्कीम, सो हाउ मच अमाउंट विल गो इन टू हिज पेंशन अकाउंट? मंथली 110. मंथली कितना जाएगा? 110 जाएगा. ओके, एंड पेंशन अमाउंट की बात करें तो यू विल गेट रुपीज 3000 आफ्टर अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज. अगर आप इस स्कीम में एनरोल्ड हैं, देन यू विल गेट रुपीज 3000 आफ्टर अटेनिंग द एज 60 ईयर्स. नाउ इसको कैसे याद रखा जाए? सो गाइज, अगर आपको याद हो, पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में भी बिल्कुल सेम मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन था, मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन था, एंड बिल्कुल सेम अमाउंट ऑफ पेंशन था. सो अगर आपको पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना याद है, इफ यू हैव रिमेंबर्ड दैट स्कीम, देन इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर दिस थिंग. ओके, बिकॉज आपको दोनों में से किसी एक का याद करना है. हमने पीएम लघु व्यापारी मानधन में याद किया था, देन आपको बस यहाँ पे जब आप किसान मानधन योजना पढ़ रहे होगे, देन you just have to remember this thing, that contribution and pension amount in PM Kisan Mandhan Yojana is similar to that of PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana. So you must not memorize contribution and pension amount in this scheme. Okay, now let's move on to the things that you have to remember, that you have to memorize. So first of all, launch year 2019, and pension fund manager of this scheme is LIC. Now you will say that pension fund manager in Laghu Vyapari Mandhan Yojana was also LIC, then why are you considering this fact into the things to remember slot? So because guys, अगर हम सब कुछ उसका similar करा देंगे, okay, तो वो उससे क्या होगा कि confusion create हो जाएगी between the PM लघु व्यापारी and PM किसान मानधन. Okay, कि कौन सी चीजें सेम ही, कौन सी चीजें सेम नहीं थी. Alright, so इसलिए हमने इसको अलग से things to remember वाले slot में डाला है. So pension fund manager is LIC, and LIC chaired by Mr. MR Kumar. And one thing is also very similar to PM Laghu Vyapari Mandhan is that on the death of the subscriber, spouse shall be entitled to receive 50% of the pension. Jo spouse hai usko kitna milega? 50% of the pension mil jayega. Okay. Now guys, let's talk about the disablement before attaining 60 years of age. If the subscriber suffers from any kind of disablement, whether physical or mental, before attaining the 60 years of age, then the spouse in that case has two options. Right, जो spouse है उसके पास दो options होंगे. पहला ये that the spouse can continue with the scheme with the payment of regular contribution. जो spouse है वो continue कर सकता है with the scheme जैसा पहले से चला आ रहा था, with the regular and normal contribution. Alright, and another option with spouse is that spouse can exit the scheme by receiving the share of contribution with interest as actually earned by the pension fund, or
the interest at the saving bank interest rate, whichever is higher. Okay, so एक तो उसको जो उसका शेयर है कॉन्ट्रीब्यूशन का वो मिलेगा, साथ में जितना पेंशन में इंटरेस्ट अर्न हुआ वो मिलेगा, या फिर जो भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा वो मिलेगा, यानी कि इन दोनों में से एक मिलेगा जो भी ज्यादा होगा. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि उसके पास एग्जिट करते वक्त क्या तरीका है, क्या ऑप्शन है, कि जब वो एग्जिट करेगा देन ही विल रिसीव द शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट में क्या क्या ऑप्शन है उसके पास, कि या तो पेंशन फंड ने जो इंटरेस्ट अर्न किया होगा वो मिलेगा, या फिर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा वो मिलेगा, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑन लीविंग द पेंशन. अगर कोई पर्सन इस स्कीम को से बाहर निकलता है, इस पेंशन अकाउंट को छोड़ता है, तो फिर क्या क्या प्रोविजंस हैं. सो इफ द पर्सन, इफ द फार्मर एग्जिट बिफोर 10 years, देन ही विल गेट शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द सेविंग बैंक इंटरेस्ट रेट. उसको इंटरेस्ट मिलेगा ऑन विच रेट, जो भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा. ऑलराइट, एंड इफ द पर्सन, इफ द फार्मर एग्जिट एट और आफ्टर 10 years, अगर 10 साल या 10 साल से ज्यादा के बाद भी एग्जिट करता है, देन ही विल रिसीव शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट विद एन इंटरेस्ट रेट विच इज एक्चुअली अर्न बाय द पेंशन फंड और द इंटरेस्ट एट द सेविंग बैंक रेट इंटरेस्ट रेट विच एवर इज हायर, इनमें से जो ज्यादा होगा. राइट, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर एंड हिज और हर स्पाउस. नाउ वॉट इफ, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, उसके बाद स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा, देन इन दैट केस दैट कॉर्पस शेल बी क्रेडिटेड बैक टू द फंड. जो कॉर्पस है वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, जो भी ये फंड है पेंशन फंड, उसमें ये वापस चला जाएगा. राइट, सो गाइज लेट मी टेल यू वन थिंग हियर, दैट लेट अस से देयर इज अ फार्मर हु इज अनमैरिड. राइट, लेट अस से देयर इज अ फार्मर हु इज अनमैरिड and he has registered himself into this scheme, PM Kisan Manthan Yojana. Alright, now if he dies, agar ye mar jata hai, then who will get the pension amount, because he is unmarried, so iske paas spouse to nahi hai, to kisko ye jo pension amount hai kisko milega. So in that case there is an option at the time of registration that he can nominate any person who will get the pension amount after his death. Alright, so I hope you understand this point, that if a farmer who is unmarried can nominate a person who will receive the pension amount on behalf of him after his death. Okay, uske mar jane ke baad. And in case agar nominee bhi mar jata hai, then kya hoga? Then that corpus shall be credited back to the fund. Alright. So guys, this was about the scheme. I hope aapko scheme clear hai. And dobara se aapko kabhi bhi ye scheme padhne ki zarurat nahi padegi. Jo cheeze yaad karne ki hai, wo aap उसके नोट्स बना लीजिएगा, उसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस नाउ. क्वेश्चन नंबर 1 इज, मुकेश वाज अ फार्मर हु डाइड ड्यू टू रोड एक्सीडेंट. ही वाज अ बेनिफिशियरी ऑफ पीएम किसान मानधन योजना. हिज स्पाउस डिसाइडेड टू एग्जिट द स्कीम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट दैट हर स्पाउस विल रिसीव ऑन एग्जिट. सो मुकेश एक फार्मर है जिसकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई, वो बेनिफिशियरी था पीएम किसान मानधन योजना का. उसके स्पाउस ने ये डिसाइड किया कि उसको स्कीम एग्जिट करना है, सो उसको क्या मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट, क्या इसमें से करेक्ट है. सो गाइस अभी हमने पढ़ा था दैट द स्पाउस विल रिसीव द शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन प्लस द इंटरेस्ट अर्नड बाय पेंशन फंड और द इंटरेस्ट एट सेविंग बैंक अकाउंट रेट. ओके, इनमें से जो ज्यादा होगा वो उसको मिलेगा. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन सी, शेयर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट अर्नड बाय पेंशन फंड और, ये प्लस नहीं होना चाहिए यहाँ पे, केवल और, इंटरेस्ट एट सेविंग बैंक अकाउंट रेट विच एवर इज हायर. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, सचिन इज अ फार्मर हु जॉइंड पीएम किसान मानधन योजना स्कीम एट द एज ऑफ 18. सचिन एक फार्मर है जिसने स्कीम ज्वाइन करी एट द एज ऑफ 18. अब इसने एट द एज ऑफ 18 ज्वाइन करी है, दैट मीन्स की हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच, 55. ही कॉन्ट्रीब्यूटेड द रिक्वायर्ड अमाउंट टू हिज पेंशन अकाउंट. आफ्टर 1 year, हाउ मच अमाउंट विल बी कलेक्टेड इन हिज पेंशन अकाउंट एक्सक्लूडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो गाइस क्वेश्चन ये है कि उसने अपना जो एट द एज ऑफ 18 जब वो एंटर हुआ, उसने अपना जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट था वो कंट्रीब्यूट किया. सो हमें ये बताना है कि एक साल के बाद उसके पेंशन अकाउंट में कितना पैसा है एक्सक्लूडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट. राइट, सो वी हैव डिस्कस दैट 55 मंथली जाता है इफ अ पर्सन एंटर्स द स्कीम एट द एज ऑफ 18. एंड अलॉन्ग विद दिस 55, गवर्नमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट 55 फ्रॉम इट साइड एज मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन. सो इन टोटल इन अ मंथ कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना अमाउंट जा रहा है अकाउंट में, 110. सो गाइज अगर एक महीने में 110 जा रहा है तो 12 मंथ में कितना जाएगा, 1320.
So therefore, the correct answer should be what? 1320. All right. Now question number 3 is, Chetan is a registered farmer under PM Kisan Mandhan Yojana who is unmarried. Chetan is unmarried. So he nominated Manish as a receiver of pension after Chetan's death. उसने क्या करा, मनीष को नॉमिनेट कर दिया. बट अनफॉर्चुनेटली आफ्टर चेतन्स डेथ मनीष आल्सो डाइड. चेतन की डेथ के बाद मनीष भी मर गया. नाउ व्हाट विल हैपन टू द कॉर्पस. सो अभी हमने डिस्कस किया दैट दिस कॉर्पस विल बी क्रेडिटेड बैक टू द फंड. ऑप्शन सी, दिस कॉर्पस विल बी क्रेडिटेड बैक टू द फंड. अगर सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस या फिर सब्सक्राइबर उसके नॉमिनी दोनों मर जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन, दैट कॉर्पस विल बी क्रेडिटेड बैक टू द फंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, Which of the following provisions of PM Kisan Mandhan Yojana are similar to the PM Laghu Vyapari Mandhan Yojana? इनमें से कौन से provisions ऐसे हैं जो कि दोनों के same हैं, किसान मानधन के और लघु व्यापारी मानधन के. So PM minimum age 18, maximum age 40, दोनों में बिल्कुल यही है. Pension amount दोनों का 3000 है और pension fund manager दोनों का ही LIC है. So therefore the correct answer guys should be what? Option D, all are correct. Now question number 5. On the death of the subscriber, how much percent of the pension amount shall spouse be entitled to? अगर subscriber मर जाता है तो spouse को कितना percent of the pension मिलता है? So अभी हमने discuss किया था that the spouse shall be entitled to receive 50% of the pension amount. So option A, 50% is the correct answer. Okay guys, so that's it for the session. I hope you like it. And for more sessions like this, do join our paid RBI Grade B course, SEBI course and NABARD course. And for more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. आपको ये session कैसा लगा? Please comment करके जरूर बताएं. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.